नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं NES डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल ग्रेटर कैलाश में एक चोरी होती है गाड़ी की, जिस तरह से आपने काफी चैनल्स में देखा होगा कि गाड़ी में चोरी होती है, 3 लैपटॉप और कुछ पासपोर्ट जो हैं वो चोरी होते हैं। और जब पुलिस स्टेशन जाया जाता है तो अलग अलग पुलिस स्टेशन चौकियों पर जाकर इस चीज़ के लिए कहा जाता है कि मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, तो जिन चोरी हुई थी उन्हें यही कहा जाता है कि हमारे जुडिशरी में नहीं आता, हमारे एरिया में नहीं आता। काफ़ी जगह ऐसी होती हैं कि पुलिस के लिए भी थोड़ा रहता है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ के लिए पता करना पड़ता है कि आखिर ये लाइन कहाँ पे आती है। क्योंकि जब भी पुलिस स्टेशन की बात आती है तो पुलिस स्टेशन में कुछ एक मैप होते हैं, उस मैप के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं पहले उनको उस चीज़ के लिए पूरा देखना पड़ता है, उसे देख कि कहाँ कौन सा एरिया किस एरिया में पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिनका, यहाँ पर ये सामान चोरी हुआ था, लैपटॉप चोरी हुए थे, कुछ अंदर कागजात भी थे वो भी चोरी हुए थे। जिनकी गाड़ी है वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि पहले आपको कहाँ कहाँ पे जाना पड़ा था इस चीज़ के लिए पता करने की ये कौन सा एरिया है? सर, ये इंसिडेंट 7:00 के आसपास हुआ रात को, कल शाम को, और मैं खुद यहाँ जम्मू से हूँ और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है ग्रेटर कैलाश का एरिया है। सो मैंने ग्रेटर कैलाश चौकी से शुरू किया, मुझे रीडायरेक्ट किया गया गंग्याल, गंग्याल से मुझे रीडायरेक्ट किया गया छन्नी हिम्मत। बट मैंने रिटर्न एप्लीकेशन भी सबमिट की, बट पूरी रात घूमने के बाद भी मुझे कोई ठोस कंप्लेंट मेरी एडमिट नहीं की गई। और सुबह मेरे ब्रदर इज एन एडवोकेट, जब मैं उनको लेके गया थोड़ा प्रेस किया तो टीम्स यहाँ पे आई और तब हमें पता चला कि इतनी कन्फ्यूजन है कि ये नो मैंस लैंड है, कोई ज्यूरिसडिक्शन ले ही नहीं रहा है। आपस में गंग्याल SHO साहब और छन्नी SHO साहब की शायद थोड़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हुआ है यहाँ पे। बट अभी अल्टीमेटली टू समराइज मैं यही कहूँगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है छन्नी से आए हैं, ठीक है, दे आर समराइजिंग द पॉइंट्स, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस भी हुई है। सर, रहेगा प्लीज, जब आपने गाड़ी लगाई थी तो आप यहाँ से कितनी दूर गए थे, कहाँ पे गए थे? सर, यहाँ पे ही गाड़ी खड़ी थी और यहाँ से पीछे शाम को कियोस्क्स का बहुत अच्छा एरिया रहता है टू गिव द लोकल फ्लेवर। मेरे साथ जो मेरे कलीग हैं, सीनियर कलीग, ही इज फ्रॉम साउथ इंडिया, ही वांटेड टू गेट अ टेस्ट ऑफ जम्मू लोकल स्ट्रीट फूड। मुझे लगा इससे बेटर जगह नहीं होगी, एक तो बिजी भी है, इट इज अ गुड एम्बियंस। और सर्विस लेन में गाड़ी लगाने का मकसद यही था कि कोई वायलेशन किए बिना सेफली पार्क करूंगा, बिना किसी को डिस्टर्ब किए। बट जब मैं आया तो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। बट दी ओनली केसेस आई एम नॉट रिपोर्टिंग डैमेज और थेफ्ट, आई एम ओनली रिपोर्टिंग इनकन्वीनियंस कि कल को किसी के साथ हो जाता है, पैसे का भुगतान हो जाता है, लेकिन जो इमेज और इम्प्रेशन डैमेज हो जाता है दैट इज वेरी वाइटल फॉर अस। जब आपने पुलिस, पहले आप स्टार्टिंग में जब ग्रेटर कैलाश चौकी पर गए, क्योंकि ये नेचुरली है, सही है, ये बिल्कुल एरिया जो है वो ग्रेटर कैलाश का आता है, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि आपको कहा जाने के लिए, गंग्याल जाने के लिए, जब आप गंग्याल गए तो उनकी तरफ से कहा जाता है छन्नी जाने के लिए। मतलब इन द एंड जाकर आप 24 घंटे लगभग, मुझे लग रहा है 18 घंटे तो हो गए, अब जाके क्लियर हो रहा है कि ये एरिया जो है वो छन्नी में आता है। क्लियर भी सर, आई एम थैंकफुल टू ऑल द मीडिया पर्सन जिन्होंने ये बात आगे एक्सपोज की है, बिकॉज सुबह तक तो इट वॉज अ नो मैंस लैंड और हर जगह आर्ग्यूमेंट हो रही थी, हाईवे का इस साइड आपका, सर्विस लेन आपकी, ऊपर का एरिया आपका। बट अभी जस्ट टू बी होपफुल हमें सपोर्ट दिया गया है छन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन से, टीम आई है, हमने CCTV फुटेजेस भी देखे हैं आसपास से, देयर इज सम डेवलपमेंट, लेट्स होप कि हमें आगे सपोर्ट। आपका एक तो लैपटॉप्स में और कुछ चोरी हुआ? सर, लैपटॉप्स थे, हाई एंड ऑफिस के लैपटॉप्स थे, उनकी सारी ब्लूटूथ एक्सेसरीज, उनके चार्जर्स, मेरा पर्सनल पासपोर्ट था मेरे बैग में, कुछ मेडिकेशंस थी, एंड टू टॉप इट ऑफ जो आपके हाई एंड जारे फोन के एक्सेसरीज वगैरह होती हैं। सो मैं मटेरियलिस्टिक वे में नहीं जाना चाहूंगा, बट उसके अंदर कुछ ऐसा डेटा था जिसको हम मैं प्राइसलेस ही कहूंगा हमारी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो आई जस्ट होप, मैं रिकवरी की होप नहीं करता, बट मैं ये होप करता हूँ कि हमारे जो सिविल और सोशल और पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो साथ में आए, थोड़ा कोऑपरेट करें, सो दैट जो आज मेरे साथ हुआ है कल किसी और के साथ ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। जिस तरह से देखिए चोरी, इनका कहा, इनका कहना है कि पैसे भी रिकवर हो जाते हैं, सब ये चीजें मायने नहीं रखती हैं, पर मायने ये रखता है कि आप किसी के साथ नेक्स्ट ऐसे मत करें। अगर किसी का क्या, किसी के साथ भी ऐसी कोई बात कहीं भी होती है तो ऐसा ना करें कि उनको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी, तीसरी से चौथी, उसके बाद कहीं घंटों बिठाना पड़े, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लगभग कल शाम 9:15 की बात है और उसके बाद आज जाकर, जहां तक कि मेरी सोच है, लगभग 18 घंटे के बाद जाके, अब जाके, अब सोचने वाली बात यह है कि जिन्होंने चोरी की है उनको कितना वक्त मिला है, उनको पकड़ने की किसी ने कोशिश तब तक नहीं की जब तक, क्योंकि इनकी कंप्लेंट रजिस्टर ना होती। तो ये चीजें सबसे बड़ी देखने वाली है कि अगर ऐसा होता है तो ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए, नेक्स्ट नहीं होना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने कहा, जो ऑनर है, इनका कहना है कि नेक्स्ट कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। कल की शाम की 9:15 की गाड़ी यहां पर है और आप देख सकते हैं अभी मिरर्स इसके साफ करने के बाद ये मिरर जो है अभी वो गाड़ी यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि जब तक पुलिस यहाँ पर मौके पर ना पहुंचती, पुलिस इसको देखती नहीं, कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होती, तब तक ये गाड़ी भी नहीं यहाँ से शायद
हटा सकते थे, तो गाड़ी भी यहीं पे थी। अब जाके शीशे जो है टूटे हुए हैं उनको बाहर निकालकर गाड़ी को यहाँ से लिया जा रहा है। और चलिए हम इन द एंड यही कहेंगे कि बहुत शुक्रिया कि कम से कम लास्ट में आपने कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर ली, और जरूरी यही था, पर ये इतना समय नहीं लगना चाहिए था। हमारा खबर करने का बस यही महत्व है। बने रहो हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे एनएस डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।